Hi guys, welcome back to my channel. और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू. तो गाइज, फर्स्ट टाइम ये मेकअप मैं अपने चैनल पे करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ. तो मैं कैसे मेकअप क्रिएट करती हूँ जब कहीं जाती हूँ सिंपल वे में, तो आज मैं आपके साथ गेट रेडी विद मी मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ. तो गाइज आप देखिएगा, मैं चश्मा लगाया है, मेरे चश्मा लग गया है. तो मैं मेकअप कैसे करती हूँ, तो आइए हम देखते हैं. वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना. और ये हटा लेती हूँ मैं चश्मा पहले सबसे. तो आप देख सकते हो मैंने जो है फेस अपना वॉश कर लिया है. तो फर्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये वादी हर्बल का टोनर, क्योंकि हम कहीं बाहर जाते हैं, थोड़ा रिफ्रेशिंग फील होना चाहिए मेकअप के दौरान, इसीलिए. देन नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर, जो कि मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है. देन नेक्स्ट मैं बाहर जा रही हूं और बाहर धूप बहुत ज्यादा हो रही है, तो सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूं. ये मैं लैक्मे की सनस्क्रीन है. तो गाइज आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई कीजिए अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो. आज मैं कोई भी फाउंडेशन नहीं यूज कर रही हूँ. NYB की फाउंडेशन स्टिक. ये बहुत अच्छी है, इसीलिए मेरी ज्यादा लग जाती है. ये मैं कहीं लाइट मेकअप करती हूँ तो इसे ही यूज करती हूँ, क्योंकि हैवी बेस फाउंडेशन से फिर ज्यादा हैवी हो जाता है. तो ये लाइट है और इसे मैं ब्लेंड करूंगी. देन ब्लश के लिए अप्लाई कर रही हूँ ये मैं ग्लैम 21 की मेरी लिपस्टिक है वो अप्लाई कर रही हूँ. तो मैं सब कुछ सेट करने के लिए ले रही हूँ मैबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर. फिर मैं इसे डस्ट ऑफ कर दूंगी जो बाकी होगा, और इस दौरान मैं आई मेकअप कर लूंगी. तो मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ, और आईब्रो फिल करने के लिए मैं इसी फैरेट में से ही हमेशा, और या फिर मैं लेती हूँ आईब्रो पाउडर. पीछे से बच्चे रो रहे हैं, देख रहा की लड़की है ऊपर. आई शेडो के लिए पैलेट मैं ये वाला ले रही हूँ, और बिल्कुल लाइट लाइट सा ही आई शेडो. मैं कोई काजल नहीं यूज करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ तो, क्योंकि वैसे भी गर्मी है तो काजल सारा फैल ही जाएगा. तो थोड़ा सा हम ब्लैक शेड ले लेंगे, ठीक है. थोड़ी सी स्मोकी आईज भी और अच्छी लगेंगी. बस मैं कोई भी काजल नहीं यूज करूंगी. देन मैं मस्कारा यूज करूंगी सिंपल सा. तो मैं यूज कर रही हूँ मैबलिन का मस्कारा.
क्योंकि ये वाटरप्रूफ है तो इस टाइम मुझे वाटरप्रूफ की जरूरत है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। हमेशा मस्कारा लगाते समय मुंह खुल जाता है। देन ब्लश भी हो गया, अब हम लास्ट में लगा रहे हैं हाइलाइटर। बट उससे पहले मैं कर लूंगी मेकअप फिक्स स्प्रे, और हाइलाइटर मैं बहुत ही ज्यादा लाइट यूज करूंगी, और मैं यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, जो कि बहुत ही प्यारा नेचुरल ग्लो देता है। तो पहले मैं ले रही हूँ ये किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, किस ब्यूटी के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। देन मुझे ज्यादा देर चलाना है तो मैं इस पर भी स्प्रे कर लेती हूँ ना। आई थिंक ये मेकअप शाम तक चलना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बट मैंने अच्छी तरह से इसे सेट कर लिया है। ओके और अब मैं ले रही हूँ हाइलाइटर। देन हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी, ये आपको मैंने बताया है कि मैं हाइलाइटर के लिए यूज करी हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। हल्का सा ही हाइलाइटर मैं यूज करूंगी। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी पहले ये वैसलीन। और फिर मैं यूज करी हूँ NYB की प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक। गाइस बहुत ही ऑसम लिपस्टिक है, बहुत ही प्यारे शेड्स है, इसका फुल रिव्यू भी किया है मैंने। आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर जाके एक बार देखिएगा। बहुत ही अच्छा शेड है और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है ये। तो इसका शेड जो है शेड नंबर 6 लेडीज नाइट इसका शेड है, और ये शेड बहुत ही ज्यादा ऑसम है। अभी लगाऊंगी तो आप देखिएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। इसका शेड जो है वो सूखने पर आता है, इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे तब जाके इसका शेड पता चलेगा क्या है। तो गाइस इसका शेड आप देख सकते हो कितना प्यारा है। तो गाइस ये हो गया है मेरा फाइनल लुक, और अब मैं थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह पहन लेती हूँ, जो भी थोड़ी सी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आज मैं पहनूंगी, और पहले जो जरूरी काम है वो कर लेती हूँ। आप चाहे तो ऐसे सिंपल मेकअप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। अभी बाल बनाऊंगी मैं। सी तो मैं सोच रही हूँ बाल खुले ही रखूं, और दूसरा मैं थोड़ी ज्वेलरी वगैरह पहन लेती हूँ जो भी पहननी है ऑक्सीडाइज। और मैंने बिंदी जो है वो लगा ली है, और मैं अब लगा रही हूँ सिंदूर। आप चाहे तो ऐसे भी सिंपल मेकअप कर सकते हैं, बट मुझे सिंदूर लगाना जरूरी है। इसलिए तो सिंदूर लग गया है। सी और ये मेकअप कैसा लगा आपको तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी बाहर थोड़ा सा कैसा लग रहा है ये मेकअप। और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मेकअप। सी और आई मेकअप कुछ ज्यादा नहीं है, आपने देखा है फटाफट से होने वाला मेकअप है। तो इसीलिए अगर ये मैं वीडियोज नहीं बना रही होती तो ये मेकअप मैं मुश्किल से 10 मिनट में कर लेती। ये नेकलेस मैंने पहन लिया है, और ये मैं लाई थी सरोजनी नगर से, और स्टर्ट भी मैं लाई थी आप देख सकते हो सरोजनी नगर से। तो बहुत ही प्यारे स्टर्ट है, 30 रुपीज के मिल गए थे मुझे। तो अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना।
तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और मैंने पहन ली है ज्वेलरी भी। और ये लुक आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। और आप देख सकते हो मैं लेट हो रही हूँ, मुझे 2 बजे तक निकलना है, अभी हो रहे हैं 2:45, तो बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही है इसीलिए। तो ये मेकअप आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।